गुड मॉर्निंग वंस अगेन माई लवली किड्स. एज वी हैव फिनिश्ड अवर टू लेटर वर्ड्स, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर आर्टिकल THE. द वॉट वी विल डू, यू विल बी रिवाइजिंग अवर आर्टिकल द. सो वी विल स्टार्ट बाय राइटिंग द डेट फर्स्ट. सो राइट डाउन द डेट 3030-06-2121. अंडरलाइन इट एंड राइट डाउन CW. सो टुडे वी विल बी रिवाइजिंग अवर आर्टिकल THE. द ओके, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हेन वी आर यूजिंग द, हम द कब यूज़ करते हैं, व्हेन द थिंग्स आर अनकाउंटेबल और काउंटेबल, व्हेन द थिंग्स आर प्लूरल, एंड इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड सेकेंड टाइम इन द सेंटेंस. अगर सेम नाउन दूसरी बार सेंटेंस में रिपीट होता है तो सेकेंड टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ आर्टिकल THE. द ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड द थिंग्स विच आर स्पेसिफिक, that means they with the things which never change like the sun, moon, sky. So with all these things we use article the. Okay, and the noun which is described, some of its qualities described in the sentence, uske saath bhi hum kya use karte hain, we use article THE. Okay, so let's start this worksheet. Now in the first picture, what is this? This is moon. So moon is a specific object, it never changes, right? There is only one moon, right? Ek hi moon hai na aisa. So we will use article THE, the. Okay, now as we are writing the in the beginning of the sentence, to hum first T kaise likhenge, we will write it in capital. Okay, so the moon IS is in dash sky. Now sky is also a specific object. ठीक है, sky भी एक ही है, there are not so many skies, right? So with the sky also we will write article the. Now see, I am using the in the middle of the sentence, बीच में मैं use कर रही हूँ, so I will be writing small t. Okay, अगर हम beginning में लिखते हैं तो capital D लिखेंगे, if it comes in middle, so we will write small t. Got it everyone? Very good. Now in the second sentence, I S double E C dash moon. Again moon is a specific object, there is only one moon. So specific object ke saath hum kya use karte hain, article the. I see the moon AT at night. Okay, now the next sentence is dash B A G bag. B A G bag is pink. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, the noun bag is a noun, it is a thing, and the bag is described here as pink. तो मैंने क्या बोला था, जब हम किसी noun को describe करते हैं, if we describe something, किसी की हम कोई quality बताते हैं, तो हम उसके साथ article the use करते हैं. Okay, so here we will use article the. The bag is pink, the bag is pink. Okay, now the next sentence is dash I N K ink. Now as I told you that the things which are uncountable, like hum ink count nahin kar sakte, the ink cannot be counted in the numbers, hum count nahin kar sakte ink ko 1 2 3 4, like this we cannot count ink. So the things which are uncountable we use article the with that. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, THE द इंक इज इन द इंक पॉट. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस PUT पुट डैश सी देयर 1 2 3 4 पेंस आर देयर, इट मीन्स इट इज अ प्लूरल, इट इज अ प्लूरल. सो एज आई हैव टोल्ड यू विद द प्लूरल नाउन्स, जो नाउन्स प्लूरल होते हैं, we use article the with that. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, THE the. Put the pants in the box. ठीक है, now again dash tree is green. Now देखो tree तो singular है, तो आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था जो singular चीज़ें होती हैं उसके साथ हम a और n use कर सकते हैं, और tree का जो t है वो consonant है, तो हमें क्या use करना चाहिए, ए. बट लेकिन किड्स मैंने आपको क्या बताया था, इफ द नाउन इज डिस्क्राइब, नाउन के बारे में अगर कुछ बोला गया है तो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द.
सो इन दिस सेंटेंस ऑल्सो ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि ट्री क्या है, इट इज़ ग्रीन. इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर्टिकल टी एच ई द ट्री इज़ ग्रीन. गेटिंग माई पॉइंट एवरी वन? यस, वेरी नाइस. नाउ डैश अगेन हेयर थ्री एप्पल्स आर गिवन. सो थ्री एप्पल्स मीन्स इट इज़ अ प्लूरल. अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द एप्पल्स ऑन डैश ट्री. अभी देखो, अब एप्पल कहाँ पे हैं, ट्री के ऊपर. इट मीन्स एप्पल इज डिस्क्राइब्ड हेयर. ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे द ही लगाएंगे. द एप्पल इज ऑन द ट्री, एप्पल ऑन द ट्री आर रेड. ओके, नाउ अगेन डैश कार इज ऑन डैश रोड. नाउ सी अगेन हेयर कार इज डिस्क्राइब. कार के बारे में कुछ बोला गया है कि कार कहाँ पे है, इट इज़ ऑन द रोड. सो क्योंकि कार के बारे में कुछ कहा गया है इसलिए हम यहाँ पे ध लगाएंगे. अगर सेंटेंस में ऐसे होता दिस इज डैश कार, अगर उसके बारे में और कुछ नहीं लिखा गया होता तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते, हम आर्टिकल ए यूज़ करते, अ कार. ओके, द कार इज ऑन द रोड. नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस डैश बुक्स. अगेन बुक्स, दिस इज़ अ प्लूरल. ठीक है, दो बुक्स हैं, इट्स नॉट वन. इफ इट इज़ मोर देन वन वी कॉल इट इज प्लूरल. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द बुक्स आर इन द बैग. ओके, द बुक्स आर इन द बैग. नाउ द लास्ट सेंटेंस. ठीक है, डैश कप इज ऑन डैश टेबल. ठीक है, अगेन कप को डिस्क्राइब किया गया है कि कप कहाँ पर है, इट इज़ ऑन द टेबल. सो क्योंकि कुछ डिस्क्राइब किया गया है इसलिए हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द. ओके, सो वी विल राइट हियर द कप इज ऑन द टेबल. द कप इज ऑन द टेबल. ओके, सो किड्स दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज अवर सेशन. वी विल मीट टुमारो. नाउ बाय बाय किड्स.